लखीसराय में जहां अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी और मासूम बेटी की हत्या की, वहीं शामली के कांधला में भाभी से अवैध संबंधों के चलते छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारा भाई और भाभी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। शामली के कांधला में सामने आई वारदात, महज कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया खुलासा। 60 वर्षीय सतपाल ने 20 वर्षीय युवती से किया था विवाह। डेढ़ साल पहले मीना को पत्नी बनाकर घर लाया था सतपाल। मीना के देवर विनोद से हो गए अवैध संबंध। यूपी के शामली के कांधला इलाके में एक बेहद पेचीदा मर्डर का खुलासा पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में कर दिया। पुलिस को चिड़ाना गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग किसान की हत्या की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि हत्या गला दबाकर की गई है। घर में चीख पुकार और कोहरा मच गया। मरने वाले शख्स का नाम सतपाल था, जिसकी उम्र करीब 60 वर्ष के आसपास थी। सतपाल की पत्नी मीना ने पुलिस को बताया कि रात में 3 बदमाश उनके घर में घुसे थे। बदमाशों ने मीना को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया, जबकि पति की हत्या करने के बाद सामान लूटकर आरोपी फरार हो गए। मौके पर मिले हालातों से प्रथम दृष्टया मामला लूट का ही लगा, लेकिन जब पुलिस ने पत्नी और पति की उम्र में ज्यादा अंतर पाया तो पुलिस की शक की सुई पत्नी मीना की ओर घूम गई। पुलिस ने जब मीना से सख्ती से पूछताछ की तो वे टूट गई। 20 वर्षीय मीना ने बताया कि बिहार की रहने वाली है और डेढ़ साल पहले ही 60 वर्षीय सतपाल उसे बिहा करके लाया था। ससुराल आने के बाद सतपाल के छोटे भाई विनोद से मीना के अवैध संबंध हो गए। सतपाल दोनों के बीच रोड़ा बन रहा था, लिहाजा दोनों ने मिलकर सतपाल की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुलिस थाने पहुंची पत्नी। 3 बदमाशों के घुसने की सूचना देकर पुलिस को किया गुमराह। कहा, बदमाशों ने मुझे इंजेक्शन से बेहोश कर पति की कर दी हत्या। हत्यारे भाई ने ही पुलिस में हत्या का मामला दर्ज कराया। शक के आधार पर पुलिस ने पत्नी से की पूछताछ। पूछताछ में पत्नी ने की सारी कहानी बयान। अपने देवर जो बाड़ी है विनोद बिल्लू, उसके साथ मिलकर रस्सी से रात को उसकी गला घोटा गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे भी सर, कारण क्या रहा सर? क्योंकि उसके पास उसकी उम्र कम है, 20 साल की है, 63 साल की है। बार बार जो उसका पति है सत्ता उसको मारपीट कर रहा है और विनोद उसको आश्रय देता है। दूसरी बात, जो जमीन है विनोद की, सतपाल की जो जमीन है वो भी इसके जिम्मे हो जाएगा। विनोद के साथ रहने का प्लान था, इसलिए विनोद और उसकी मीना में मिल गई। पति की हत्या करने के बाद मीना और उसके देवर विनोद ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक से एक कहानी गढ़ी। पुलिस के सवालों का जवाब उन्होंने इतनी सफाई से दिया कि एक बार की तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर हत्यारों ने इतनी सफाई से कैसे वारदात को अंजाम दिया होगा। लेकिन मीना की हरकतों ने पुलिस को उस पर शक करने को मजबूर किया। ऐसे में महज कुछ ही घंटों में हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को भी विभाग ने सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।